अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हॉर्टिकल्चर इन कश्मीर। मैं हूं आपका मेज़बान सईद समीउल्लाह। अच्छा सर, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ दिनों से पहले फिर से वो स्कैब देख रहे हैं, तो क्या इशू आ गया है? देखिए, ये लास्ट ईयर 2020 में मुझे, क्योंकि मैं 2015 के बाद मैंने ये जो वेदर का पैटर्न रहा है, मैं बिल्कुल उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, बल्कि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। पिछले साल फॉर्चुनेटली मई के बाद तो बारिश नहीं हुई, 20 मई के बाद तो ड्राई रहा, लेकिन इस साल अनफॉर्चुनेटली मई भी मतलब ऐसे वेट रहा। 10 से 20 22 मई तक तो रेगुलरली शावर्स होते थे, अब जून में भी हम देखते हैं अक्सर हम देखते हैं शावर्स होते रहते हैं। जब आपको इतना सिचुएशन ऐसी हुई कि लगातार शावर, देखिए हम अक्सर समीला साहब अक्सर आप सुनते हो यूरोप वाले अमेरिका वाले वो 20 से 30 फाइंस सुप्रे क्यों करते हैं, उसको वो भी सेम फाइंस है वो भी करते हैं, क्यों करते हैं? रीजन ये है कि हमने खुद देखा है जर्मनी में, वहां पे रेगुलरली वो बारिशें पड़ती रहती हैं, रेगुलरली शावर्स होते हैं। जब आप किसी जगह रेगुलरली शावर्स होते हैं तब वहाँ आपको इसके बगैर कोई और चारा है नहीं कि आपको लाजमन एक मतलब इंटरवल पे 10 दिन 12 दिन ज्यादा से 15 दिन बाद आपको स्प्रे करने हैं। अब आप खुद देखिए, देखिए ईद का दिन था, मैंने कुछ को कहा, मुझे अब मैं नाम नहीं लूंगा, एक को मैंने कहा भाई आप ईद के दिन स्प्रे करो आप, क्योंकि थोड़े बहुत शावर्स हो गए हैं। अब उन्हें नहीं किया, बाद में 4-5 दिन किया तो फिर थोड़ी बहुत स्कैब आ गई। तो इस तरह से जब ऐसी सिचुएशन हो, इस सिचुएशन में इसके बगैर आपको कोई और चारा नहीं है कि आपको एक मतलब रेगुलरली स्प्रे करने हैं। अब नेचुरली जनरली हमारा जो यहाँ पे है ट्रेडिशन रहा है या हमारी जो प्रैक्टिस है वैली में, वहाँ पे मई तक तो बहुत ज़्यादा 15-20 मई तक तो रेगुलरली स्प्रे करते हैं, लेकिन बाद में लोग छोड़ते हैं। तो मैं हूँ कि हम इस साल कैसे, आज तक मेजॉरिटी ऑफ ग्रोवर्स, मैं कह रहा हूँ 80% ग्रोवर्स जो है या 70% ग्रोवर्स जो है वो सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने रेगुलरली स्प्रे की। अब अगर आपने रेगुलरली स्प्रे नहीं, कहीं पे आपको लैप्स हुआ, मैं कह रहा हूँ कहीं पे आपको 2 दिन का फर्क, बिलीव मी मेरे पास डेटा है, 2 दिन का या 1 दिन का फर्क है। 1 दिन आप आज पूरा नहीं हुआ स्प्रे, नेक्स्ट डे आपने दूसरी जगह किया तो वहाँ पे स्कैब बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बच गया। तो ये सब चीज़ें स्कैब के साथ अनफॉर्चुनेटली, ये अगर आपको रेगुलरली ये शावर्स होते रहे, रेन्स होते रहे, फिर ये एक बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को मैं तो दुआ बारिश ना हो, कम से कम बहुत कम बारिशें हों, होगी अगर 1 महीने में होते हैं जैसे पहले पहले नॉर्मल जो हमारा था जून जुलाई अगस्त में कभी होती थी, महीने में लगातार होती थी, लेकिन बाकी दिन तो ड्राई रहते। इस साल थोड़ा मैं डिफरेंट देख रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल सही आपने कहा, यही चीज़ सही है। और आपकी रिसर्च, आपकी एक्सपीरियंस और जो लिटरेचर है उस सभी को मिला के यही समझ आता है कि हमारे ग्रोवर्स को थोड़ा सा एक्टिव होना है। अंडरसाइज कंडीशन, उनके पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं कि वो टाइमली स्प्रे करे, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि आज तक समीला साहब आज तक तकरीबन 8 स्प्रे एवरेज में मैं कहता हूँ जिसके अच्छा फ्रूट सेट है, 8 स्प्रे उसने आज तक किए हैं और वो सेफ हैं। उसमें हो सकता है किसी को उधर इधर थोड़ा फर्क हुआ, उसने रियल टाइम में स्प्रे नहीं किया, तो अब अगर आप 8 स्प्रे किए हैं, 8 स्प्रे अब वो बोलेगा नहीं आपको इशू नहीं है, थोड़ा बहुत इर्द गिर्द में है, पड़ोस मतलब कि ऑर्चर्ड में है, तो फिर मतलब अब मुझे ना अगर इसको और 1-2 करनी पड़ेंगी या 2-3 करनी पड़ेंगी, इससे उसकी जो आज तक की इन्वेस्टमेंट है तब उसका कोई वैल्यू बनता है। अदरवाइज तो लास्ट में वही फिर जिसको हम छिद्र बोलते हैं, पिन पॉइंट्स क्या है वो आके फिर उसका तो सारा वो बिगड़ ही जाएगा, इसलिए बेहतर ये है कि भी एहतियात किया जाए। चलिए सर, शुक्रिया फिर से हॉर्टिकल्चर इन कश्मीर फैमिली के साथ जुड़ने के लिए।